और ग्वालियर में 13 नवंबर को कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में महाना आर्यमान राव सिंधिया के सानिध्य में भव्य संगीत निशा मदहास का आयोजन हो रहा था, जिसे अब आगामी दिनांक तक स्थगित कर दिया है। बता दें कि कार्जा एंटरटेनमेंट के मुख्य संयोजक गुरुपाक्ष कदम द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के अचानक कोविड पॉजिटिव हो जाने के कारण सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। कार्यक्रम को स्थगित करने पर मुख्य प्रायोजक असमंजस की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी प्रकार का कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं और ऐसी परिस्थितियों में बिना प्रमुख प्रायोजक और मुख्य अतिथि की अनुपस्थिति में यह कार्यक्रम करना असंभव है। हाँ, अगर इसी तरीके से हमारा स्थगन होता रहा तो ये जो है इसकी जो भी एक रूपरेखा थी पैसों के मामले में वो दुगनी जरूर हो जाएगी। आयोजकों का अगर ये प्रोग्राम नहीं होता तो नुकसान हुआ है। अभी मतलब पैसा है, अमाउंट है, बुकिंग है, वो नुकसान नहीं है भाई। पैसे, बुकिंग है, सब चीजें हैं। उसको आगे बढ़ाने में अब जो वेंडर्स हैं, जो लोग बाग हैं, वो हमसे डिमांड कर सकते हैं।